ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 1 है जी, जिसमें के जो के हमारा है Functions and Limits, और इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है Some Other Important Functions और सेकंड है उसमें Algebraic Operations on Functions। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स को मजीद बेहतर करेंगे। जैसे हमारा पहला एमसीक्यू है कि द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि इस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ये इसकी मतलब ये प्रोसेस है जो ये फंक्शन करता है, इज वो क्या होगी। ये बात याद रखें कि जो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है उसका ये काम होता है कि वो फंक्शन की जो रेंज है उसको वापस उस डोमेन पे ले आता है जिससे वो रेंज आई थी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन है वो बेसिकली इस फंक्शन की रेंज है। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस फंक्शन की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे रेंज कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मुझे पता है कि मैं इसमें एक्स की मिनिमम जो वैल्यू रख सकता हूँ वो 1 रख सकता हूँ, क्योंकि इससे अगर छोटी वैल्यू रखूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा जो कि फिर इसका जो हमारे पास जवाब है वो पॉसिबल नहीं है रियल। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिर हम इसमें ये देख सकते हैं कि एक्स 1 रखने से जो हमें जवाब मिलता है वो 2 मिलता है। इसका मतलब इसकी रेंज में जो सबसे छोटा एलिमेंट आएगा वो 2 है और फिर बाकी नंबर उससे बड़े आएंगे, उसमें चूंकि 2 में ऐड हो रहे हैं नंबर और स्क्वायर रूट का जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस को अगर हम यहाँ यूज़ करें तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि इसमें 1 से शुरू किया जाए, 1 तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आए। ठीक है, इसी तरह यहाँ 1 से ग्रेटर की बात की जा रही है, यानी यहाँ तो ये एग्जैक्ट 2 से आगे स्टार्ट हो रहा है, 2 और 2 से बड़ा नंबर, 2 से पिछले छोटे नंबर तो आ नहीं सकते, ऑप्शन ए और सी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें बी और डी ऑप्शन को, तो इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि 2 शामिल नहीं है, उससे बड़े नंबर शामिल, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इनवर्स फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 5 इज। अब इनमें से एक फंक्शन जो है वो इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं यूँ कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ कि इसमें मैं एक्स को 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 लिखेंगे हम, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 1 ओवर 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा उसमें अगर इधर हमारे पास ऑर्डर पेयर 1 बाय 6 आया तो उसमें ऑर्डर पेयर यूँ होना चाहिए कि 1 बाय 6 लिखने से 1 आंसर आए। अब हम देखते हैं कि 1 ओवर 6 इनमें से किस फंक्शन में लिखने से हमें उसकी वैल्यू जो है वो 1 मिलती है, 1 ओवर 6 लिखने से। ठीक है, अगर फर्स्ट को देखा जाए तो इसमें ये 1 ओवर 6 है और इसे डिवाइड किया जा रहा है 1 ओवर 6 प्लस 5 से, 1 ओवर 6 प्लस 5 से, तो देखें ये 1 कभी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें अगर हम 1 ओवर 6 को 1 ओवर 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और देखें इसमें 5 ऐड भी हो रहा है, इसलिए ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह इसमें अगर देखा जाए x की जगह 1 ओवर 6 और इसे डिवाइड किया जा रहा है 1 ओवर 6 माइनस 5 से। ठीक है, यानी इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है, चूंकि 1 ओवर 6 का इनवर्स जो होगा वो 6 होगा। अब यहाँ पे 6 आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बनता है 1 माइनस 30 ओवर 6। ठीक है, क्योंकि माइनस 29 ओवर 6 बनेगा या 6 ओवर माइनस 29, तो ये भी 1 आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, इस ऑप्शन को अगर देखें तो 1 ओवर 6 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 6 माइनस 1। ठीक है, अगर हम इसको सिंपलीफाई भी करें तो ये 1 माइनस 6 यानी माइनस 5 ओवर 6 आएगा, जो कि इस 1 ओवर 6 का इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर इस रिजल्ट को देखा जाए तो इसमें 5 ओवर 6 आ रहा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 6, और अगर 1 में से 1 बाय 6 माइनस करें तो 5 बाय 6 ही आता है। ठीक है, यानी इसको हम 6 बाय 1 को हम 6 बाय 6 लिख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं 6 माइनस 1 5 ओवर 6 आता है।
इसका मतलब अगर 5 ओवर 6 को 5 ओवर 6 से ही डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आ जाएगा। और यही वो मतलब रिलेशन है जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर ये फंक्शन होगा, ठीक है, तो इस ये फंक्शन किस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा, ये होगा y इक्वल टू x ओवर x प्लस 1 का इन्वर्स फंक्शन। ठीक है जी, अब ये तो हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग से के मेथड से सॉल्यूशन निकालना या ऑप्शन ढूंढना। ठीक है, अब हमारे पास एक और तरीका है जो कि हम बाय डेफिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं, चूंकि y इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 5 है। ठीक है, हम यहाँ से x को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि x यहाँ पर डोमेन का एलिमेंट है। तो ये x प्लस 5 y से मल्टीप्लाई होकर वाई एक्स प्लस 5y आ जाएगा, जबकि इस साइड पे x रहेगा। अब हम x वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को एक तरफ, तो यहाँ पे वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5y आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5y आ जाएगा। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 5y ओवर y माइनस 1 या x इज इक्वल टू 5y ओवर 1 माइनस y। ठीक है, तो देखें अब ये जो रिलेशन है बेसिकली इसमें हमने इस तरह से किया कि जो वेरिएबल x है, पहले y सेपरेट था, हमने x को सेपरेट कर दिया, तो इससे अब जो एक अगर इसको मैं फंक्शन कहूँ कि f इनवर्स ऑफ y एक फंक्शन है, तो ये बेसिकली इस गिवन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा जिसकी डोमेन इस फंक्शन की रेंज होगी और जो इसकी रेंज होगी वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो इस तरीके से हम ये जो इस गिवन फंक्शन इसका इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जी, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पर मैं स्पेलिंग्स को जरा करेक्ट कर लेता हूँ जी, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है जिनमें से कि आप जो x और y वेरिएबल्स हैं उन्हें बिल्कुल सेपरेट ना कर सकें, जबकि एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं जिनमें से x और y वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो इनमें a ऑप्शन में से भी आप देख सकते हैं कि x को बिल्कुल आइसोलेट किया जा सकता है, यानी 1 दूसरी तरफ मूव हो जाए तो y प्लस 1 इक्वल टू x हो जाएगा, इसका मतलब ये इम्प्लिसिट नहीं हो सकता। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड को यूज़ करें, यहाँ से अगर आप देखें तो y बिल्कुल सेपरेट हो सकता है जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब ये भी इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास y सेपरेट हो सकता है, ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ मूव हो जाएं तो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ 2 ये इधर आ जाएंगे। और इस अगर फोर्थ ऑप्शन को d ऑप्शन को देखा जाए तो इधर से आप x को बिल्कुल या y को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते, यानी अगर फर्ज करें आप x को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप x मतलब कैसे सेपरेट करेंगे, अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म में से x की जो पावर है वो एक जैसी नहीं है, यानी x कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, यहाँ पे x प्लस y रह जाएगा ब्रैकेट में, जबकि इस तरह से y स्क्वायर को हम दूसरी तरफ अगर मूव कर दें तो ये 9 माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब x बिल्कुल आइसोलेट नहीं हुआ, यानी x अगर आप इधर लिख भी देते हैं तो दूसरी तरफ भी x की जो वैल्यू है वो आ रही है, यानी x प्लस y में x शामिल हो गया, x बिल्कुल जो है वो सेपरेट नहीं हो सका, इसलिए हम कहेंगे कि जो ऑप्शन d है ये इम्प्लिसिट फंक्शन की टाइप का जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है, और हम इसे मार्क कर देंगे और यही हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 7 देन f ऑफ x इज एन डैश फंक्शन, यानी इनमें से गिवन ऑप्शन में से एक टाइप का ये फंक्शन है। ठीक है, किस टाइप का हो सकता है, अब हमने ये चीज़ देखनी है, क्या f ऑफ x इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें अगर आप जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनके एडिटिव इन्वर्सेस भी लिख दें तो अभी वैल्यू वही आएगी जो कि उनके मतलब जिन नंबर्स के एडिटिव इन्वर्सेस लिखे गए हैं उन नंबर्स को लिखा जाए। ठीक है, यानी f ऑफ x को लिखा जाए, तो ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि f ऑफ अगर फर्ज करें माइनस 2 लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, ये हमारे पास आता है 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, 4 4 16 प्लस यहाँ पर
चूंकि माइनस टू लिखा गया, माइनस टू वाई आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेवन आता है। जबकि अगर मैं इसमें एफ ऑफ टू लिख देता हूँ तो मेरे पास इसका जवाब आता है 16 प्लस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेवन। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि मेरे पास जो एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू है इनका जवाब एक जैसा नहीं आ रहा, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। इसी तरह ऑड भी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम फंक्शन में डोमेन के एडिटिव इन्वर्सेस लिखें तो वो हमारे पास जो रेंज आएगी एफ ऑफ एक्स वो उसके एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स के जो एडिटिव इन्वर्सेस होंगे वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होंगे रेंज में, क्योंकि एफ ऑफ एक्स रेंज है, तो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो इस रेंज के एलिमेंट्स के एडिटिव इन्वर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम यूँ इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ से बात देखी वो ये आ रही है कि ये दोनों एडिटिव इन्वर्स मतलब नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस टू के भी बराबर नहीं, या यूँ आप समझ लें कि एफ ऑफ माइनस टू जो है वो एफ ऑफ टू के नेगेटिव के भी बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑड भी नहीं है। ठीक है, फिर इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये दोनों ही फंक्शन है, इवन भी और ऑड भी है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि नीदर इवन नॉर ऑड, यानी ना तो ये इवन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू हो जाए 3x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 के, तो फिर हमें ये बताना होगा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल होगा। यानी कि पहले मैं एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन लूँ, ठीक है, और उस पर 2 वैल्यू लूँ। ठीक है, तो जो इस इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी वो बेसिकली इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, तो जारी बात है कि हम यूँ समझ सकते हैं इस बात को कि अगर इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन जो है, फर्ज करें हम वो कहते हैं कि सॉरी इसकी जो रेंज जो है वो अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, तो जो इसके इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी, वो 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन लिखी जा रही है वो 2 है, जो कि इस फंक्शन की एफ ऑफ फंक्शन की ये क्या है, रेंज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर विदाउट सॉल्व ये हम 2 बता सकते हैं। ठीक है, यानी आप यूँ समझ लें कि एफ एफ इनवर्स को कैंसिल कर देगा और हमारे पास जवाब 2 बच जाएगा। हम लंबे प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि हम इसके इनवर्स फंक्शन को फाइंड करें और फिर उसमें वैल्यू पुट करें, फिर एफ की वैल्यू उस वैल्यू पर लें, तो इससे हम जो इस पे लॉजिक है वो इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जवाब डायरेक्ट हमें मिल जाता है, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है और वो 2 है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ग्राफ ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, जिसमें एक है पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर एंड जो सेकंड है वाई इक्वल टू टी है। ठीक है, व्हेन टी जो है वो 2 माइनस 2 के इक्वल या उससे बड़ी वैल्यूज, या इस तरह से हम इसको देखें कि 2 या उससे छोटी वैल्यूज के इंटरवल में हो। ठीक है, मतलब इन नंबर्स के दरमियान टी की वैल्यू वेरी कर रही हो, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा ये ग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ऐसा कर लें कि ग्राफ ड्रॉ कर लें अगर क्विकली, ठीक है, हम एक एक्सिस को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस कह लेते हैं। ठीक है, ये फर्ज कर लें हमारे पास एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अब इसमें मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। फर्ज कर लें कि यहाँ पर ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ठीक है, इसी तरह यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक, ये नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यूज। इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस ये हमारे पास +1, +2, +3, +4 आ रहा है। डाउन द एक्स एक्सिस -1, -2, -3, -4 आ रहा है। अब अगर हम देखें इसमें अगर t को 0 पुट किया जाए तो देखें हमारे पास x भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 स्क्वायर 0 और y भी 0, यानी एक जो आउटर पेयर हमारे पास आ रहा है वो ओरिजिन पे आ रहा है। मैं रेड मार्क में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम t को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और y भी 1, यानी t
टी की वैल्यू 1 रखने पे एक्स भी 1 वाई भी 1 आ रहा है, ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 पॉजिटिव में चल रही वैल्यू, ये 1 2 3 4 पॉजिटिव में चल रही वैल्यू, इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -5 -4 आ रहा है इस तरह से। अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर हम टी को 2 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास वाई 2 आएगा, लेकिन जो ये x है ये t स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी x तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 4 यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। 0 पे रखने पे 0 आ रही थी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू जो है वो सॉरी t की वैल्यू जो है अगर वो हम रख लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं हम इसको हम रखते हैं अगर 1.5, ठीक है, इसको अगर हम 1.5 रखते हैं t को, तो हमारे पास 1.5 का जो स्क्वायर आता है वो अब हम देख लेते हैं कि वो x की वैल्यू कितनी आती है, उसको हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं आपके 1.5 का स्क्वायर जो है वो 2.25 आएगा, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी जिस वक्त 1.5, चूँकि y t के इक्वल है तो 1.5 तकरीबन 1 और 2 के इन बिटवीन यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन जो x इस पे वैल्यू दे रहा है वो 2.25 होगी जो कि इधर होगी, मतलब ये ग्राफ कुछ इस शेप का बन रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो इसी चीज़ का मिरर इमेज आ रही है, यानी डाउन द x एक्सिस ये हमें इस तरह से इसका मिरर इमेज मिलेगा, मिरर इमेज, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी लेकिन x पॉजिटिव ही रहेगी, तो x पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो शेप बन रही है ये होती है पैराबोला की शेप, ठीक है, जो कि आप बी ऑप्शन में दे सकते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन में सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल तो आप जानते हैं कि एक ऐसा क्लोज फिगर होती है जिसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस प्लेन के फिक्स पॉइंट से एक जैसा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो शेप बन रही है पैराबोला की बन रही है, ना ये लिप्स की बन रही है ना ही ये स्ट्रेट लाइन की बन रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पे वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे।